आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं वसीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने असम में करबी आंगलोंग अमन माहदे पर दस्तखत किए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शोरिश से पाक और खुशहाल शुमाल मशरक के विजन की जानिब एक और संगे बील है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकबूलियत की दर्जा बंदी में 70% के साथ आलमी लीडरों में सबसे मकबूल लीडर करार दिया गया है। पूरे मुल्क में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज शिक्षक पर्व 2021 का आगाज होगा। मुल्क में कोविड टीकाकारी की तादाद 68 करोड़ से तजावज कर गई है। मरकज ने कोझीकोड जिले में नीपा वायरस का एक मामला सामने आने के बाद माहिरीन की एक टीम केरला रवाना कर दी है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 3 रोजा दौरे पर आज गोवा पहुंचेंगे। कल भारतीय नवल एविएशन को सदर का परचम अदा करेंगे। और निशानेबाज अवनी लेखरा आज टोक्यो पैरालंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। कोविड-19 के मद्देनजर सामईन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुतालिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह और असम के वजीर आला डॉ हेमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में तारीखी करबी आंगलोंग समझौते पर दस्तखत किए गए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब शाह ने कहा कि करबी आंगलोंग समझौते को करबी खित्ते और असम की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखा जाएगा। 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है। उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध। जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित करना। जहां तक कार्बी आंगलोंग का सवाल है, असम सरकार 5 वर्ष में 1000 करोड़ रूपया एक क्षेत्र के विकास के लिए खर्च करेगी। वजीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की ये पॉलिसी है कि वो अपनी मुद्दत कार के दौरान किए गए वादों को पूरा करती है। उन्होंने कहा कि चाहे बोडोलैंड समझौता हो या बुरू समझौता या फिर NLFT समझौता हो, सरकार ने 80% से ज्यादा शर्तों को पूरा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बोडोलैंड समझौते में तकरीबन तमाम शर्तें पूरी कर दी गई हैं। जनाब शाह ने 5 तंजीमों के नुमाइंदों और असम के वजीर आला को यकीन दिलाया कि मरकज मुकर्रा मुद्दत के अंदर समझौते की तमाम शर्तों को पूरा करेगा ताकि करबी आंगलोंग खित्ते में तरक्की और पायदार अमन की राह हमवार हो सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार दहाइयों पुराने बहरान को हल करने और असम की इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आलमी मकबूलियत की दर्जा बंदी में अपने हम असर तमाम सरबराहान हुकूमत और सल्तनत को पीछे छोड़ते हुए अव्वल मकाम हासिल किया है। तमाम बालिग अफराद के दरमियान कराए गए एक सर्वे के मुताबिक जनाब मोदी ने मकबूलियत में शानदार 70% हासिल किए हैं, जबकि मैक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर 64% के साथ दूसरे नंबर पर और इटली के वजीर आजम मारियो ड्रेगी 63% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। जर्मनी की चांसलर अंजेला मर्केल 52% के साथ चौथे नंबर पर, जबकि अमरीकी सर जो बाइडन 48% के साथ पांचवें नंबर पर हैं। अमरीका की एक डाटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, जापान, मैक्सिको, जनूबी कोरिया, स्पेन, बरतानिया और अमरीका में हुकूमत के लीडरों की मकबूलियत से मुतालिक दर्जाबंदी के लिए सर्वे कराया था। इंटेलिजेंस फर्म के मुताबिक इसकी दर्जाबंदी हर मुल्क में 7 दिन के सर्वे की बुनियाद पर तैयार की गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश में कोविड टीकाकारी प्रोग्राम के मुस्तफेदीन और हिफ़्ज़ाने सेहत के वर्करों के साथ बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश में कामयाबी के साथ पूरी अहल आबादी को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। रियासत के जरिए किए गए इकदामात में दुश्वार गुजार इलाकों पर तवज्जो देना, अवामी बेदारी को यकीन बनाना और आशा वर्करों के जरिए घर घर दौरा शामिल हैं। रियासत ने इस संगमील को हासिल करने के लिए खवातीन, बुजुर्गों, माजूरों, सनती वर्करों, मजदूरों पर खास तवज्जो दी और सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति जैसी खसूसी मुहिम अंजाम दी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत ने इस्लाहात के साथ इस्तेहकाम कायम किया है, वक्त पर मुकर्रर अहदाफ को पूरा किया है, शफाफियत के साथ जवाबदेही कायम की है और आलमी स्टेज पर एक बढ़ते हुए और पुरएतमाद भारत की शबीह की क़यादत की है। आज यौम असातिज़ा या टीचर्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन अजीम माहिर तालीम, फलसफी और भारत के आनजहानी सदर जमहूरिया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर मुल्क भर में असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने एक पैगाम में कहा है कि यौम असातिज़ा एक मौका है जब हम उन तमाम असातिज़ा की पुरखलूस खिदमात का एतराफ़ करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों की दानिशवराना और अखलाकी नशोनुमा में अहम रोल अदा किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय रिवायत में असातिज़ा को देवता का मकाम दिया जाता है। आज यौम असातिज़ा के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी है जिन्होंने हमेशा नौजवान जहनों की नशोनुमा में कलीदी रोल अदा किया है। जनाब मोदी ने कहा कि ये बात काबिल तारीफ है कि किस तरह असातिज़ा ने कोविड के दौर में तलबा की तालीम के सफर को यकीनी बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने कौम के तई उनकी खिदमात को भी याद किया। असातिज़ा के ग्रां कद्र ताउन के एतराफ में और कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को आगे बढ़ाने की खातिर आज यौम असातिज़ा के मौके पर शिक्षा पर्व 2021 का आगाज होगा जो वर्चुअल तौर पर इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगा। हुकूमत ने खसूसी टीकाकारी मुहिम के तहत 2 करोड़ से ज्यादा असातिज़ा को टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया है। रियासतों में टीकाकारी की पेशरफ पर वजारत तालीम के स्कूली तालीम और ख्वानदगी के महकमे के जरिए निगरानी की जाएगी। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज यौम असातिज़ा के मौके पर 44 टीचरों को वर्चुअल तरीके से कौमी अवार्ड से नवाजेंगे। इस सिलसिले में अवार्ड पाने वाले हर टीचर पर एक दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज असातिज़ा, तलबा, वालदैन और तालीम से जुड़े दीगर फरीकों से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तालीम के महकमे के 5 इकदामात का आगाज करेंगे जिनमें भारतीय इशारों की जबान की डिक्शनरी, बसीरत से महरूम तलबा के लिए टॉकिंग बुक्स, CBSE का स्कूलों के मेयार के तज्जिए और इल्हाक का फ्रेमवर्क, निपुण भारत के लिए असातिज़ा की तरबियत का प्रोग्राम, निष्ठा और स्कूलों की तरक्की के लिए तालीमी रजाकारों की सहूलत की खातिर विद्यांजलि पोर्टल शामिल है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। यह खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत ने कोविड टीकाकारी में एक और संग मील हासिल कर लिया है क्योंकि कल तक मजमूई तौर पर 68 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कल 62,25,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। अब तक हिफ़्ज़ाने सेहत के वर्करों को 1,88,30,000 से ज्यादा टीके लगाए गए जबकि पेश रहने वाले वर्करों को 3,18,65,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। 18 से 44 साल की उम्र के अफराद को 30,34,00,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। 45 से 59 साल की उम्र के अफराद को 19,36,00,000 और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को 13,59,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन BMC ने ऐलान किया है कि मुंबई मुल्क में कोविड 19 के खिलाफ 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकारी करने वाला पहला जिला बन गया है। कोविन पोर्टल पर शाये होने वाले आदादोशुमार के मुताबिक मुंबई में जुमे तक 1,60,411 वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और इसके तहत 78% बालिग आबादी ने पहला टीका लगवा लिया है। उत्तर प्रदेश में कोविड इन्फेक्शन काबू में है और टीकाकारी की रफ्तार मंसूबे के मुताबिक जारी है। रियासत के 75 अजला में से 24 जिले कोरोना से पाक हो गए हैं क्योंकि वहां कोई मरीज जेरे इलाज नहीं है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
महकमे सेहत के मुताबिक कोविड से पाक अजला हैं अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, अयोध्या, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, दोवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, ललितपुर, महोबा, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, शामली और सीतापुर। पिछले 24 घंटे में 63 अजला में की गई जांच में इन्फेक्शन का एक भी मामला सामने नहीं आया है। रियासत में कल मजमूई तौर पर महज 250 जेरे इलाज मामले थे। पिछले 24 घंटे के दौरान 26 नए मरीजों की तस्दीक हुई है और इसी मुद्दत के दौरान 15 मरीज सेहतयाब हुए हैं। लखनऊ से MS यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। केरला सरकार ने कोविड-19 वबा में इजाफे के पेशनजर रियासत भर में हर इतवार को रात का कर्फ्यू और लॉकडाउन जारी रखने का फैसला किया है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। रियासत के वजीर आला पिनाराय विजयन ने कल कोविड से मुतालिक एक जायजा मीटिंग के बाद फैसले के बारे में मुतला किया। आज केरला में मुकम्मल लॉकडाउन है, सिर्फ लाजमी खिदमात को ही सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दी गई है। रियासत ने कोविड की रोकथाम की सरगर्मियों का अपना पहला मरहला भी शुरू कर दिया है। कोविड की मुहिम का लोगो जारी करने के बाद वजीर आला ने कहा कि हर एक को कोविड से दिफा करने वाला होना चाहिए। इस दौरान कल कोविड के 29,682 नए मुतासर मामलों की तस्दीक की गई। थिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मरकज ने कोझीकोड जिले में नीपा वायरस का एक मामला सामने आने के बाद माहिरीन की एक टीम केरला रवाना करती है। बीमारी के कंट्रोल के लिए कौमी सेंटर के माहिरीन की एक टीम रियासत को तकनीकी ताउन फराहम करेगी। एक 12 साल लड़के को, जिसे नीपा वायरस होने के शक में कोझीकोड के एक अस्पताल में दाखिल किया गया था, आज सुबह मुर्दा करार दे दिया गया। केरला की वजीर सेहत वीना जॉर्ज भी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कोझीकोड पहुंच रही हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज से गोवा का 3 रोजा दौरा करेंगे। जनाब कोविंद कल डेबोलिम में INS हंसा पर एक तकरीब में भारतीय नवल एविएशन को सदर का परचम अता करेंगे। मुल्क के लिए गैर मामूली खिदमात के एतराफ में किसी फौजी यूनिट को दिया जाने वाला सदर का परचम सबसे बड़ा एजाज है। खारजा सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला ने, जो अमरीका के सरकारी दौरे पर हैं, हथियारों के कंट्रोल और बैन अल-अक़वामी सिक्योरिटी के लिए अमरीका की नायब वजीर खारजा बॉनी जेकनिंग के साथ मीटिंग की। दोनों ने तर्क असलहा, अदम तोसी, बरामदात के कंट्रोल के कसीर रुखी निजाम और खलाई ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादले ख्याल किया। निशानेबाज अवनी लेखरा को आज टोक्यो ओलंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। लेखरा खेलकूद मुकाबले में सोने का तमगा जीतने वाली पहली बार भारतीय खातून होने के अलावा टोक्यो पैरालंपिक्स में 2 तमगे जीतने वाली पहली भारतीय खातून बन गई हैं। इस दौरान नोएडा के जिला मजिस्ट्रेट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी एल यतिराज ने टोक्यो पैरालंपिक्स में चांदी का तमगा जीता है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया वसीम। मोदी हुकूमत के 20 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी मुल्क भर में 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण मुहिम चलाएगी। इस खबर को रोजनामा मिलाप और प्रताप ने बड़ी खबर बनाया है। जनाब मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के वजीर आला का हलफ लिया था। इसके साथ साथ सभी अखबारों ने बीजेपी के सदर JP नड्डा के इस बयान को भी नुमाया किया है कि मोदी हुकूमत मुल्क की हमजहत तरक्की के लिए पुरअज़्म। जनाब नड्डा ने 9 मुंतखब वज़रा की जन आशीर्वाद यात्रा की कामयाबी का क्रेडिट मुल्क के अवाम को देते हुए कहा कि जनाब नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार मुल्क की हमजहत तरक्की, फला बहबूद, सलामती और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने असम में करबी आंगलोंग अमन माहदे पर दस्तखत किए। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के शोरिश से पाक और खुशहाल शुमाल मशरक के विजन की जानिब एक और संग भीत है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकबूलियत की दर्जा बंदी में 70% के साथ आलमी लीडरों में सबसे मकबूल लीडर करार दिया गया है। पूरे मुल्क में आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज शिक्षक पर्व 2021 का आगाज होगा। मरकज ने कोझीकोड जिले में नीपा वायरस का एक मामला सामने आने के बाद माहिरीन की एक टीम केरला रवाना की है। और निशानेबाज अवनी लेखरा आज टोक्यो पैरालंपिक्स की इख्तितामी तकरीब में भारत की परचम बरदार होंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।